फटेगा तब ना कैसे आज अपने छठ घाट का निरीक्षण किया। मालूम है कि हम लोग सबसे पहले पिछले महीने 27 तारीख को आए थे और चूंकि इस बार छठ को पूरे तौर पर की गई है और छठ घाट का निर्माण होना चाहिए, सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उस समय आए। लेकिन उस समय की जो स्थिति थी, जितना पानी का फ्लो ज्यादा था, अभी तो पानी का फ्लो घटा है, लेकिन फिर भी सब जगह इन लोगों ने उसके लिए तैयारी कर ली है। जो पिछली बार हम लोगों ने कहा था मोटे तौर पर देख करके कि इन जगहों पर जब सब दिन से होता है, इसको देख लीजिए, सारे अधिकारी उसमें गए और वहां जाकर के साइट पर देख लिया और अंत में इन लोगों ने तय किया। तो वहां पर लोगों के आने का ये सारा काम तो तेजी से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो घाट रहेगा तो उसके आगे लोगों की रक्षा के लिए, उसको आप जानते ही हैं कि एक सीमा बनाई जाती है, तो उसके लिए भी जिसको बैरिकेडिंग उसके लिए जो किया जाता है, तो वो अभी ये लोग लगे हुए हैं। पानी घट रहा है लेकिन और पानी घटने की जरूरत है, तो जहाँ कहीं भी पानी घटेगा तो वहाँ पर उसको कर देंगे, उसकी एक तरह से घेराबंदी जो करते हैं तो लोगों को सुविधा होती है, तो ये करेंगे। तो आज हम लोगों ने देख लिया है और इसके लिए पूरे तौर पर ये काम कर रहे हैं, तो हम तो देखे हैं, संतुष्ट है, सब लोग कर रहे हैं। अब एक दिन और हम लोग आ जाएंगे 6 तारीख को, देख लेंगे जब चारों तरफ जहाँ जहाँ बन सकेगा वहीं अलाउ करेंगे, और बाकी जगहों पर जो आप देख रहे हैं कि लाल लगा दिया है तो वहाँ पर से है कि इन जगहों पर मत आइए और सब लोगों को बाहर से आने में सुविधा हो, गंगा नदी के किनारे पहुँचने में, उसमें छठ पर्व के अवसर पर जिसको छठ घाट कहा जाता है, सुविधा हो गंगा नदी के किनारे पहुँचने में, उसमें छठ पर्व के अवसर पर जिसको छठ घाट कहा जाता है, तो उसके लिए सब तैयारी कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर तो आप जानते हैं कि शुरू से ही हम लोग सब दिन जिस दिन होता है पहला दिन उस दिन आते ही हैं शाम में हम लोग देखने के लिए, और उसके पहले भी पूरी तैयारी के लिए आते हैं, देखते हैं, विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि आज तक किसी को असुविधा नहीं होती। हर प्रकार की सुविधा का ख्याल, लोगों के सुरक्षा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए गाइडलाइन भी इशू किया जाता है, ये सब ये लोग लगे हुए हैं। और आज मुझे थोड़ी खुशी है और हम संतुष्ट हैं कि ये सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी 1-2 दिन और लगेगा जब अंतिम तौर पर जहाँ पर ये कर सकते हैं उसका काम करेंगे, उसके बाद उसी समय डिक्लेयर करेंगे। दोनों सीट पे आप लोग की जीत हुई है, चलिए ना, तो ये जनता मालिक है, जनता का फैसला है। लोग काफी बातें कर रहे हैं पहले। खुल गया है बिहार का सबसे भव्य यामाहा शोरूम अब अपने हाजीपुर दिघी में, जहां उपलब्ध है सबसे आधुनिक सर्विस एवं यामाहा की सभी बाइक और स्कूटी फाइनेंस की सुविधा के साथ।